हिमाचल में कमल खिलेगा या फिर पंजे पर जनता का भरोसा दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी बाजी खेल दी है जिसके चलने के बाद बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है, क्योंकि इस बार टिकट काटने के चक्कर में बीजेपी शायद अपने सियासी समीकरणों पर सही से सोच नहीं पाई, या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि जो कदम अब बीजेपी ने उठाया है उसके बाद बीजेपी की राहें हिमाचल में कांटों भरी होने वाली हैं। बीजेपी के चाणक्य ने ऐसा विस्फोटक ऐलान कर दिया जिसके बाद बीजेपी के खुद के खेमे में भूकंप आ गया है। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल यानी 12 नवंबर को 55 लाख से ज्यादा मतदाता नई सरकार के गठन का वोटिंग करेंगे। दूसरी तरफ मतदान शुरू होने से ठीक दो दिन पहले ही भाजपा के चाणक्य यानी अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के अंदर ही तहलका मचा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 10 नवंबर को प्रचार के आखिरी दिन पावंटा साहिब और सुलह में पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध दिया। साथ ही साथ हिमाचल की जनता ये भी कहा कि आप ये सोचकर वोट ना डालें कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि ये सोचकर मत का प्रयोग करें कि हिमाचल को देश का नंबर वन राज्य बनाना है। दरअसल हिमाचल के पावंटा साहिब की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 12 तारीख को आपको सुखराम जी को विधायक बनाने के लिए वोट नहीं डालना है, जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं डालना है। जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएं तो हिमाचल की बेहतरी के लिए वोट डालें। आपको यह मानकर चलना है कि आपका यह वोट हिमाचल को समग्र देश में नंबर एक का राज्य बनाने के लिए दिया गया है। आपका यह वोट तय करेगा कि अगले 5 साल तक हिमाचल प्रदेश पर किस पार्टी की किस व्यक्ति की सरकार बने। वहीं अमित शाह के इस बयान के बाद से हिमाचल भाजपा के अंदर ही भूचाल लाने का काम कर दिया, वो भी मतदान से ठीक पहले। उनके इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस उनके इन बयानों का लाभ उठा सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि शाह ने जयराम ठाकुर और सुखराम परिवार को पहले ही सीएम की रेस से बाहर कर दिया है, यानी जो अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे उन मुख्यमंत्री को ही इस पूरी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे कयास गृह मंत्री अमित शाह के बयान से लगाए जा रहे हैं। उनके इस बयान से ये साफ है कि जब शाह को ही जयराम ठाकुर पर भरोसा नहीं है तो वहां की जनता क्या उन पर विश्वास करेगी। यानी हिमाचल में भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है, इस बात का एहसास अमित शाह को पहले ही हो गया है, इसलिए उन्होंने जयराम ठाकुर को ही रास्ते से हटा दिया, रास्ता बिल्कुल उनका पत्ता ही काट दिया। अब इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कहा हिमाचल में वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में मुकाबला बताया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अभी एक परिवारवाद से बाज नहीं आई, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये परिवार से जन्मी हुई पार्टी है, मैं आप एक सब सामान्य वर्ग में जन्मे हुए लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में अगर शान चाहिए तो राजा रानी के घर पर जन्म लेना पड़ता है। शाह आगे कहते हैं कि कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कहती है कि हिमाचल में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन वो जमाना चला गया है। मणिपुर, असम, यूपी, उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, अब गुजरात में 6ठी बार और हिमाचल में भी बार बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरह का दावा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया, लेकिन उन्होंने जो अपना बयान दिया है उस बयान का साफ मतलब जो है वो यही निकल रहा है कि बीजेपी जो है वो जयराम ठाकुर पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर रही है, इसीलिए उन्हें इस पूरी रेस से ही बाहर कर दिया गया ताकि बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब हो सके। हालांकि ये फैसला बीजेपी के लिए क्या साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा या उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, इसका फैसला चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो 2022 का उसका प्रचार प्रसार गुरुवार शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। शुक्रवार सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। वहीं सिंदूर पहाड़ी इलाकों में पोलिंग पार्टियां पहले से रवाना की जा रही हैं। हिमाचल में 12 नवंबर शनिवार को वोट डाले जाएंगे, जिसकी पूरी तरह से तैयारियां पुख्ता तरीके से हो रही हैं, जबकि नतीजे आपको बता दें 8 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले हिमाचल चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
गुरुवार को ही अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं की रैलियां हुई थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं ने आखिरी दिन प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस ने सभी 68 सीटों पर विजय आशीर्वाद रैली और रोड शो भी किया। हिमाचल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुरुवार शाम से 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। उधर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 7,881 पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं। इन पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां भी गुरुवार को ही रवाना हो गई हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। विधानसभा के लिए आगामी चुनाव में इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 24 महिलाएं हैं जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। कुल मतदाता आपको बता दें कि 28,54,945 महिलाएं हैं, जिसमें आपको बता दें कि पुरुष जो हैं वो 27,37,845 हैं और थर्ड जेंडर जो हैं वो 38 हैं। इस बार के जो चुनाव में 18 से 19 साल की आयु कि जो लोग हैं वो 1,93,106 नए मतदाता हैं। 80 साल के उम्र के जो अधिक हैं वो लोग हैं 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता शामिल हैं, जबकि दिव्यांग 56,501 शामिल हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बुधवार को ही कांगड़ा और हमीरपुर जिले में रैलियों के बाद बीजेपी ने रणनीतिक बैठकें भी की। अभी तक के अपने और कांग्रेस के प्रचार की समीक्षा भी उन्होंने की और कल की तरह ही आज शाम भी बैठकों में घर घर पर्ची पहुंचाने और मतदान के लिए रणनीति तैयार की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, और अपनी पूरी तरह से कमर कस ली गई है कि किसी भी तरीके की जो कोर कसर है वो नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हिमाचल जिस वजह से जाना जाता है उससे बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि एक बार सत्ता रहने के बाद दोबारा से हिमाचल में एक ही पार्टी की सत्ता नहीं रहती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को सत्ता परिवर्तन का राज्य माना जाता है कि यहां पर एक ही पार्टी सत्ता में लगातार काबिज नहीं हो पाती है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से ही अमित शाह कांगड़ा जिले में पालमपुर तहसील के निकट सुलह और सिरमौर के पावंटा साहिब में रैली भी कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कांगड़ा के फतेहपुर बिलासपुर में, घुमारवी के निकट हटवार गलही और हमीरपुर के झंडूता में रैली की। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा और नतीजे 8 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। राज्य में पिछले करीब 3.5 दशक से कोई सरकार लगातार रिपीट नहीं हुई है। भाजपा को उम्मीद यही है कि राज्य में कमल खिलेगा, लेकिन हिमाचल जिस चीज का गवा रहा है, हिमाचल की जनता जिस चीज की निर्णायक रही है कि यहां पर एक ही सत्ता दोबारा रिपीट नहीं हुई है, तो इस बार बीजेपी की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो फैसला क्या लें, क्योंकि उनकी तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, लोगों का जो टिकट काटा जा रहा है, कद्दावर नेताओं को रेस से बाहर कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब हम नए चेहरों को जो है जगा देंगे, और नए चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी क्या वाकई हिमाचल में दोबारा सत्ता में काबिज हो पाएगी, या फिर उनका ये नए चेहरों को दांव लगाने वाला जो दांव है वो उन पर खुद ही उल्टा पड़ जाएगा और कांग्रेस यहां पर बाजी मार ले जाएगी। ये फैसला हिमाचल की जनता कल अपना ईवीएम में बंद कर देगी और 8 दिसंबर को इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि हिमाचल की जनता ने आखिर अपनी सेवा के लिए किसे चुना है और हिमाचल में कौन सत्ता की गद्दी पर बैठेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।